एवरीवन, वेलकम टू इग्निशन, इंडिया नंबर वन ऑटो शो। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे 2023 ह्यूंडई ग्रैंड आइटन नियोस की टेस्ट ड्राइव पर। दिखाएंगे लुक्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस में कैसी है पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइक अल्ट्रा वायलेट F77। बताएंगे बजट 2023 इंडियन ऑटो सेक्टर के लिए कितना रहा खास। 2023 KTM 390 एडवेंचर से हटा पर्दा और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें। और फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करते हैं ह्यूंडई मोटर इंडिया की एब्सोल्युटली न्यू ऑफरिंग इन 2023। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्रैंड नियोस i10 की, जो कि 2023 अवतार में पेश हुई है। क्या कुछ बदला है ये जानेंगे, बट मैं आपको बता दूँ 5.68 लाख रुपीज से शुरुआती कीमत है इस गाड़ी की एंड सेफ्टी और न्यू फीचर्स पर खास फोकस दिया है। 30 न्यू फीचर्स, 20 न्यू सेफ्टी फीचर्स, तो क्लियरली ज़बरदस्त लोडेड है व्हेन इट कम्स टू रियल परफॉर्मेंस ऑन फीचर्स एंड सेफ्टी। देखते हैं इस गाड़ी में क्या है खास अप क्लोज एंड पर्सनल। नए साल में अगर आप कोई नई हैचबैक कार लेना चाहते हैं जो तमाम लेटेस्ट फीचर से लेस हो, तो ह्यूंडई ने हाल ही में ग्रैंड i10 नियोस के फेसलिफ्ट वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। ये कार अपने सेगमेंट में कई नए फीचर्स के साथ आती है, तो चलिए देखते हैं इस नई 2023 ह्यूंडई ग्रैंड i10 नियोस में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। लुक्स की बात करें तो नए अपडेटेड वर्जन i10 नियोस के फ्रंट स्टाइल में बदलाव किया गया है, जिसमें इसके ग्रिल का निचला हिस्सा बढ़ा दिया गया है। साथ ही किनारों पर DRL के लिए एक नया डिजाइन भी दिया गया है। इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स को भी नए लुक के साथ पेश किया गया है, जो दिखने में काफी आकर्षक है। साथ ही इस कार में अब आपको 15 इंच के न्यू डिजाइन अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलते हैं, जो इस कार को अट्रैक्टिव लुक देने में मदद करता है। वहीं इस कार के बैक प्रोफाइल की बात करें तो पीछे की ओर स्टाइलिंग के मामले में इस कार में आपको नए LED टेल लैंप देखने को मिलते हैं, जिन्हें एक लाइट बार के साथ जोड़ा गया है। कंपनी ने इस कार को ड्यूल टोन कलर ऑप्शन के साथ 6 कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया है। वहीं बात करें इस कार के इंटीरियर की, तो इस कार का इंटीरियर पहले जैसा ही दिखाई देता है, जिसमें कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। नए फीचर्स के तौर पर इस कार में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग, रियर सीट AC वेंट्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 8-inch टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, नई फुटवेल लाइटिंग, नई ग्रे अपहोल्स्ट्री और एक मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 2023 ह्यूंडई ग्रैंड i10 नियोस में आपको अच्छे हेडरूम के साथ ही काफी अच्छा कंफर्टेबल स्पेस भी मिलता है। ये तो बात हुई इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर की, चलिए अब इसे देखते हैं चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस में ये कार कैसी है। नई ग्रैंड i10 नियोस में अब टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन कंपनी की ओर से हटा दिया गया है। इसमें अब आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि E20 फ्यूल पर भी काम कर सकता है। इसके अलावा कंपनी ने इस कार में एक CNG वेरिएंट का ऑप्शन भी दिया है। साथ ही i10 नियोस में आपको AMT और मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। स्मूथ और सिटी ड्राइविंग के लिए इसे पर्याप्त लो एंड टॉर्क के साथ ट्यून किया गया है। वहीं माइलेज के मामले में इस कार का AMT और मैनुअल, ये दोनों ही मॉडल्स लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर का दावा करती हैं।
हमने इस कार के मैनुअल वेरिएंट को चलाया। चलाने के मामले में हल्के क्लच और स्टेयरिंग के साथ ड्राइव करने के लिए कार काफी आसान है। हाई स्पीड में भी इसकी परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव है। ये कार बहुत साइलेंट है और इसकी ड्राइविंग बहुत ही स्मूथ है। रोजमर्रा की जिंदगी में सिटी ड्राइव हो या वीकेंड में लॉन्ग ड्राइव, हर एक मामले में ये कार आपको एक जॉयफुल ड्राइविंग का एक्सपीरियंस जरूर देगी। कीमत की बात करें तो Hyundai Grand i10 Nios फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत 5,68,000 रुपीस से शुरू होती है, जबकि इसके AMT वर्जन के लिए इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 8,40,000 एक्स शोरूम तक जाती है। इसमें दिए गए अपडेटेड फीचर्स को अगर देखें तो ये कीमत सही भी लगती है। नई स्टाइलिंग, फ्यूचर प्रूफ इंजन और हाई क्वालिटी वाले इंटीरियर इसे काफी शानदार बनाते हैं। ओवरऑल कहें तो हमें नई ग्रैंड i10 Nios के लुक्स, फीचर्स, क्वालिटी, स्मूथ ड्राइविंग काफी पसंद आई, लेकिन इसके टॉप वर्जन के लिए इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा लगती है। तो इस प्राइस सेगमेंट के साथ अगर आप भी कोई एक हैचबैक कार लेना चाहते हैं जो तमाम लेटेस्ट फीचर्स के साथ एक फ्रेश लुक आपको प्रोवाइड करे, तो 2023 Hyundai Grand i10 Nios आपके लिए एक शानदार ऑप्शन जरूर साबित हो सकती है। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई गाड़ी की। अब फोकस करते हैं टू व्हीलर स्पेस में, और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की तो भरमार है इस बार मार्केट में, और लगातार नए प्लेयर्स आ रहे हैं और नए नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भी लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट F77। ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है कंपनी के द्वारा। खास बात यह है कि 307 किलोमीटर की ये रेंज देता है ऑन अ सिंगल चार्ज। 158 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड यहाँ आपको इस बाइक में मिलती है। लुक्स के साथ परफॉर्मेंस भी बढ़िया दिख रही है, बट देखते हैं खास क्या है इस बाइक में। हेलो गाइस, वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूं अक्षय घुगे, और जिग्नेशन के इससे पहले के एपिसोड में हमने आपको कई बार कुछ शानदार इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। टू व्हीलर सेगमेंट की अगर बात करें तो वैसे तो भारतीय बाजार में कई इलेक्ट्रिक स्कूटर आज के दिन में मौजूद है, लेकिन अगर बाइक्स की बात करें तो आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे में अगर आप एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं जो लुक्स परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा शानदार हो, तो आपके इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन स्टार्टअप कंपनी अल्ट्रा वायलेट ने भारतीय बाज़ार में अपनी बिल्कुल ही नई बाइक F77 को हाल ही में लॉन्च किया है। इस बाइक की स्पेशलिटी की बात करें तो कंपनी ने इसे फाइटर जेट से इंस्पायर्ड होकर डिज़ाइन किया है, जिसकी वजह से दिखने में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखाई देती है। फीचर्स के अलावा अगर खास तौर पर परफॉर्मेंस के बारे में इस बाइक के बारे में अगर बात की जाए, तो इसकी टॉप स्पीड 152 किलोमीटर पर आर की है, जिससे आप इसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही कंपनी ने इसमें 10.3 किलोवाट आर की बैटरी दी है, जो सिंगल चार्ज पर 307 किलोमीटर की रेंज देने का भी दावा करती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लुक्स एंड फीचर्स के मामले में कंपनी ने इस शानदार बाइक में क्या कुछ ऑफर करा है, और फिर इसे ले चलते हैं मेरे पीछे मौजूद इस रेस ट्रैक पर और टेस्ट करेंगे कि परफॉर्मेंस में ये बाइक कितना ज़्यादा दमखम रखती है। लुक्स की बात करें तो कंपनी ने इस बाइक को एरोडायनामिक बनाने के लिए इसे काफी शार्प और स्पोर्टी डिजाइन दिया है। ये बाइक फुल फेयरिंग में आती है, जिससे एयर ड्रैग कम होता है। फ्रंट लुक की बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में बेहद स्लिम फुल LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, जिसमें हेडलाइट के साथ ही इंटीग्रेटेड DRL भी शामिल है। कंपनी ने इस बाइक के फ्रंट में अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फोक लगाया है और इसके ऊपर एयर कवर भी दिया है। ये कवर ड्रैग को कम करने के लिए हवा को काटता है। इस बाइक में 17 इंच के अलॉय व्हील्स और MRF के रेडिएटर टायर लगाए गए हैं, जिनकी ग्रिप काफी अच्छी है।
में आए तो इस बाइक में फॉक्स फ्यूल टैंक दिया गया है। हालांकि बाइक का डिजाइन ऐसा है कि इसे एक नजर में देखकर बताना मुश्किल है कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है। इस बाइक के फ्यूल टैंक के जगह एक बड़ी बैटरी लगाई गई है। इसे इस तरह लगाया गया है ताकि राइडर को बाइक चलाने में कोई परेशानी न हो और उसे एक स्पोर्ट्स बाइक चलाने का फील भी मिले। इस ई बाइक के साइड पैनल में एक छोटा विंग दिया गया है जो कि फंक्शनल क्रैश गार्ड का काम करता है। वहीं रियर प्रोफाइल की बात करें तो इस बाइक में पीछे की ओर फुल एलईडी टेल लाइट सेटअप दिया गया है। साथ ही बाइक के टर्न इंडिकेटर्स भी एलईडी में दिए गए हैं। ये बाइक पीछे से बेहद ही स्लिम दिखाई देती है, लेकिन इसका चौड़ा रियर टायर पीछे से इसे मस्कुलर लुक दिलाता है। साथ ही पिलियन के लिए सीट के नीचे इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल दिए गए हैं जो सीट के साइड में छुपे हुए दिखाई देते हैं। अल्ट्रावायलेट F77 में किसी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मिलने वाली अब तक की सबसे बड़ी बैटरी लगाई गई है। कंपनी ने इस बाइक को लिमिटेड एडिशन के अलावा दो वेरिएंट स्टैंडर्ड और रेकॉन में पेश किया है। इन दोनों ही मॉडल्स में चेन ड्राइव सिस्टम दिया गया है जिससे पावर, रेंज और परफॉर्मेंस में ये दोनों ही बाइक अलग अलग है। F77 स्टैंडर्ड में 7.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है जो 206 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है। हालांकि रियल कंडीशन में ग्लाइड मोड पर इसकी रेंज 176 किलोमीटर की हो जाती है। इस स्टैंडर्ड मॉडल में लगा इलेक्ट्रिक मोटर 36.2 bhp पावर और 85 nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक केवल 3.4 सेकंड में 0 टू 60 kmph की रफ्तार पकड़ती है, वहीं 0 टू 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 8.3 सेकंड का समय लगता है। F77 स्टैंडर्ड की टॉप स्पीड 140 किलोमीटर पर आर की है। वहीं अल्ट्रावायलेट F77 के टॉप मॉडल यानी रेकॉन की बात करें तो इसमें कंपनी ने 10.3 किलोवाट आर का बड़ा बैटरी पैक दिया है जिसके तहत कंपनी ने दावा किया है कि ये मॉडल 307 किलोमीटर की रेंज देता है। हालांकि रियल कंडीशन में ग्लाइड मोड पर इसकी रेंज लगभग 261 किलोमीटर की मिल जाती है। F77 रेकॉन का बड़ा बैटरी पैक एक अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है। ये मोटर 38.8 bhp पावर और 95 nm पीक टॉर्क पैदा करता है। F77 रेकॉन महज 3.1 सेकंड में 0 टू 60 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है, वहीं 0 टू 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 8 सेकंड का समय लगता है और इसकी टॉप स्पीड 147 किलोमीटर पर आर की है। चार्जिंग की बात करें तो F77 को पूरी तरह चार्ज होने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। ये बाइक नॉर्मल चार्जर से 1 घंटा चार्ज करने के बाद 35 किलोमीटर तक चलने का दावा करती है। वहीं फास्ट चार्जर के जरिए इसे 1 घंटे में 75 किलोमीटर तक चलने के लिए चार्ज किया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट इस बाइक के लिए कई बड़े शहरों में फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रहा है। इस बाइक में 3 लेवल में रीजनरेटिव मोड मिलते हैं। वहीं कंपनी इस बाइक में OTA के जरिए सॉफ्टवेयर अपडेट भी प्रोवाइड करती है। इस बाइक को चलाने का हमारा अनुभव बेहद ही शानदार रहा। सीट पर बैठते ही ये बाइक एक पावरफुल स्पोर्ट्स बाइक का फील देती है। ये बाइक स्पोर्ट्स बाइक की तरह ही सामने की तरफ झुकी हुई है, वहीं इसके फुट पेग पीछे की तरफ सेट हैं। इस बाइक का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है जिस वजह से ये बाइक चलते समय पूरी तरह राइडर के कंट्रोल में रहती है। बाइक के अधिक वजन को देखते हुए इसके सस्पेंशन सेटअप को स्टिफ बनाया गया है। हालांकि इससे आपको सड़कों पर छोटे मोटे गड्ढों से गुजरने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस बाइक का ABS सेटअप भी काफी अच्छी तरह काम करता है। बाइक में ABS को स्विच ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन दिया गया है। F77 में 3 राइडिंग मोड आपको मिलते हैं जिसमें ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक मोड शामिल है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, लुक्स और फीचर्स के साथ साथ खास तौर पर परफॉर्मेंस में भी ये बाइक हर एक मामले में आपको एक सुपर बाइक का फील दिलाने में ज़रूर मदद करती है। कुछ कमियों की अगर बात की जाए तो राइडिंग के दरमियान इसकी सीट मुझे थोड़ी हार्ड लगी, साथ ही इसके जो मिरर्स है वो भी कंफर्टेबली एडजस्ट
थोड़े बहुत नहीं होते, तो ये एक दो छोटी मोटी चीज़ अगर छोड़ी जाए तो बाकी सारी चीज़ें, फिर चाहे इसके सस्पेंशन हो या ओवरऑल राइड क्वालिटी, हर एक मामले में ये बाइक आपको एक सुपर बाइक का फील दिलाने में मदद करती है। कंपनी ने इसे 3 वेरिएंट में पेश किया है, जिसमें इसकी बेस वेरिएंट की कीमत 3,80,000 रुपये रखी गई है, जो सिंगल चार्ज पर 209 किलोमीटर का रेंज देती है। वहीं इसके टॉप लिमिटेड एडिशन की कीमत कंपनी ने 5.5 लाख रखी है, जो सिंगल चार्ज पर 307 किलोमीटर की रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड 152 किलोमीटर पर आर की है। और जैसी कि आपने इस रेस ट्रैक पर भी देखा, हर एक मामले में परफॉर्मेंस में ये बाइक आपको एक गूज़बम दिलाने में ज़रूर मदद करती है। तो भले ही इसकी प्राइस आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रिक सुपर बाइक लेने में दिलचस्पी रखते हो तो अल्ट्रा वॉयलेट F77 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ज़रूर साबित होगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू इग्निशन। चलिए अब फोकस करते हैं इस बार का बजट 2023 का, जिसमें अनाउंसमेंट्स हुई। ऑटो सेक्टर के लिए कैसा रहा ये बजट, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 को पेश किया। इस बजट में ऑटो सेक्टर के लिए कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए, आइए जानते हैं। सस्ती होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को पेश करते हुए लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामान इंपोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी हटाने का ऐलान किया है। हालांकि इस छूट का फायदा केवल भारत में बनने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ही मिलेगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार लिथियम आयन बैटरी सेल पर अगले 1 साल तक और रियायत देना जारी रखेगी। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के लिए फंड में बढ़ोतरी की जाएगी। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के जरिए गाड़ी के मालिकों को सर्टिफिकेट मिलता है, इसके बाद नई गाड़ी खरीदने पर भी छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार पुरानी गाड़ी और एम्बुलेंस स्क्रैप करने के लिए राज्य सरकारों को भी सपोर्ट करेगी। ग्रीन एनर्जी। पर्यावरण को लेकर सरकार काफी सजग है, इसकी वानगी बजट 2023 में देखने को मिली। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि सरकार की 7 प्राथमिकताओं में से एक ग्रीन एनर्जी है। इसके लिए बजट में 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस फंड का इस्तेमाल भारत में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए बजट में 19,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साल 2030 तक सरकार का इरादा है हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को 50 लाख टन तक पहुंचाना। पेट्रोल और डीजल से निर्भरता कम करने के लिए सरकार हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। जीरो कार्बन स्ट्रेटेजी। सरकार का लक्ष्य है 2027 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करना। इस बजट में इंडस्ट्री को पेट्रोल और डीजल के अलावा ग्रीन फ्यूल की ओर आकर्षित करने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है। सरकार चाहती है कि ऑटो सेक्टर में पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक सीएनजी, इथेनॉल और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का भी मार्केट शेयर बढ़े। फेम टू सब्सिडी। इस बजट में फेम टू स्कीम के तहत सब्सिडी की समय सीमा बढ़ने की उम्मीद कर रहे लोगों को झटका लगा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। ईवी सेक्टर को उम्मीद थी कि बजट में इस स्कीम की समय सीमा को बढ़ाया जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि फेम 2 स्कीम की समय सीमा मार्च 2024 तक ही सीमित है। लग्जरी कार इंपोर्ट। लग्जरी कार इंपोर्ट करने वालों को जेब ज्यादा ढीली करनी होगी।
केंद्रीय बजट में लग्जरी कार को फुल्ली इंपोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। इससे लग्जरी कार सेगमेंट को धक्का लग सकता है। और राइट, अब वक्त हो चला है आपके लिए न्यूज व्हील का, जहां हम बताएंगे इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। KTM ने ग्लोबल लेवल पर 2023 390 एडवेंचर से पर्दा हटा दिया है। नई 390 एडवेंचर को सिर्फ एक बदलाव मिला है, जिसमें अलॉय व्हील्स के बजाय हल्के काले रंग के एनोडाइज स्पोक्स व्हील दिए गए हैं। इस 2023 मॉडल में नया नारंगी और काला रंग भी मिलता है, जो इसे फ्रेश लुक देता है। हालांकि इसके अलावा ये मोटरसाइकिल अपने पुराने मॉडल जैसी ही है। पावर की बात करें तो 390 एडवेंचर में 373 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर रेव हैप्पी इंजन दिया गया है, जो 44 bhp की पावर और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। इंजन को उसी 6-speed गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जिसमें स्लीपर क्लच और क्विक शिफ्टर मिलता है। पिछले साल के अंत में अपनी इलेक्ट्रिक कम्यूटर मोटरसाइकिल इको ड्रिफ्ट का खुलासा करने के बाद प्योर ईवी ने अब भारतीय बाजार में अपनी इस नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत दिल्ली में सब्सिडी के साथ 99,999 रुपीज एक शोरूम रखी गई है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में ये कीमत 1,15,000 रुपए एक शोरूम तक जाती है। इको ड्रिफ्ट में 3 kWh की बैटरी दी गई है, जो सिंगल चार्ज में 130 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 75 किलोमीटर पर आर की है। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_kjain, इंस्टाग्राम हैंडल @swati_khandelwaljain, यहाँ पर आप जरूर एक्सेस कर सकते हैं ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, जब आप टू व्हीलर पे हो तो हेलमेट पहनना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जय हिंद।